हेलो वेलकम बिग स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 11.3 मेंसुरेशन। स्टूडेंट क्वेश्चन इज दैट डेनियल इज पेंटिंग द वॉल ऑफ द वॉल एंड सीलिंग। देखिए यहाँ पर डेनियल बात हो रही है, यहाँ पर गर्ल है क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में शी लिखा हुआ है, मतलब एक गर्ल की बात हो रही है। डेनियल इज पेंटिंग द वॉल एंड सीलिंग ऑफ द क्यूबोइडल होल। एक होल है जो क्यूबोइड शेप में है, तो वो क्या करती है, पेंटिंग करती है द वॉल। दो वॉल मतलब कितनी वॉल होती है, एक रूम में चार वॉल होती है। एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबोइडल होल, और सीलिंग मतलब होता है छत, छत और वॉल की करती है पेंटिंग करती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं फ्लोर की बात नहीं हुई, मतलब फ्लोर की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, फोर वॉल्स एंड सीलिंग की बात हो रही है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 तो मैंने आपको बताया था, सेम टू सेम क्वेश्चन यही है आपका। विथ लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ 15 मीटर 10 मीटर एंड 7 मीटर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर आपको लेंथ ब्रीथ एंड हाइट गिवन है फ्रॉम रिस्पेक्टिवली फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट। अब वो पेंट करती है तो ईच कैन, जो कैन है उसके पास, कैन कैसी कलर की कैन है, कोई कलर की कैन है तो पेंट करती है। कितना पेंट करती है, 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड। एक कैन में 100 मीटर स्क्वायर, वन कैन इक्वल्स टू कितना, 100 मीटर स्क्वायर एरिया क्या होता है, पेंट होता है। हाउ मेनी कैंस ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम। तो आपको बताना है कि रूम को पेंट करने के लिए कितनी कैन चाहिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले पता होना चाहिए टोटल एरिया कितना है, क्योंकि टोटल एरिया हमें पता चल जाएगा, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कितनी कैन चाहिएगी। तो चलिए पहले एरिया निकालते हैं। सो आपको निकालना है टोटल एरिया ऑफ फोर वॉल एंड सीलिंग। ऐसा क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे फ्लोर की बात नहीं हो रही है, आपको स्पेशल बता दिया है सिर्फ फोर वॉल और सीलिंग की बात हो रही है। तो फॉर्मूला आपको मैंने बता चुका हूँ क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस टू इंटू ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। लेंथ इंटू ब्रेथ को आपको फार्मूले में से पूरे में से टोटल एरिया वाले में से हटा लेना है। क्यों, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ अब एक ही रहेगी, दो ना रहेगी। क्यों, क्योंकि छत और आपका फ्लोर, तो फ्लोर की बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि इसका फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ दोनों हो जाता है, टू इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ तो अंदर ब्रेकेट में लिखते, लेकिन यहाँ पर फ्लोर की बात नहीं हो रही तो लेंथ इंटू ब्रेथ सिर्फ आपको एक बार लिखना है, इसलिए मैंने इसको साइड कर दिया है। बाकी जो आपका टू इंटू में है वो तो आपका चलेगा, इसे ब्रेथ हाइट एंड हाइट लेंथ। चलिए वैल्यू पुट करना है, 15 लेंथ है 10 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 15 इंटू 10 कितना जाएगा, 150। 2 इंटू 10 इंटू 7 कितना जाएगा, 70 प्लस 5 इंटू 15 इंटू 7 कितना जाएगा, 105। 150 प्लस 2 इंटू 70 प्लस 105 कितना होता है स्टूडेंट्स, तो आपका हो जाएगा 170 एंड 105, दोनों को अगर आप प्लस करें कितना आएगा, 175 इंटू 2 करते हैं तो आपका कितना आता है, 350, दोनों प्लस करेंगे कितना आएगा, 1500 मीटर स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखना है शी नीडेड कैंस इक्वल्स टू, कितनी कैन चाहिएगी उसको, कितनी कैन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको टोटल एरिया में क्या कर देना है, वन कैन। अब देखिए टोटल एरिया कैसे फार्मूला लगाते हैं बताता हूँ, टोटल एरिया में क्या कर देना है, एरिया कवर बाय वन कैन। टोटल एरिया में किसका डिवाइड करेंगे आप, कि वन कैन में कितना एरिया कवर हो रहा है, वन कैन में कितना हो रहा है आपको पता है, 100 मीटर स्क्वायर हो रहा है, टोटल कितना है, 500 है, तो 500 को 100 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 कैन्स आपका क्या हो गया आंसर। कि स्टूडेंट्स हमें 5 कैन चाहिएगी, डेनियल को कितनी कैन चाहिएगी, 5 कैन टोटल एरिया पेंट करने के लिए।